देखा था इंडिया बेस्ट डांसर में तुषार शेट्टी जो आपके कोरियोग्राफर रहे, आपके गुरु रहे, काफी कुछ सिखाया होगा आपको। तो एक जो जर्नी रही थी आपके उसके दौरान, कुछ बॉन्ड के बारे में बताइए, किस तरह से अभी भी आप उनसे टच में हैं या नहीं? जैसे कि आपने बोला कि तुषार मेरे पार्टनर थे आईबीडी में, और ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। मतलब उनको मैं पहले भी मिली थी, आईबीडी करने से पहले भी हमने साथ में काम किया है। और अगर तुषार के लिए कुछ बोलना चाहूंगी तो ऑफकोर्स कि वो बहुत कम एज में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। और यस, आईबीडी में मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है। आई थिंक जो स्टाइल मैं नहीं करती उनसे वो मुझे सीखने मिला है, तो वो एक मेरा एक स्टेप अपग्रेड ही है जब भी मैं तुषार शेट्टी से मिली हूँ। और ऑफ कोर्स अच्छे ही है यार वो एज अ पर्सन, सो जी बिल्कुल बिल्कुल। बट तो ना हमारे जो फॉलोअर्स है वो बहुत बड़े फैन है तुषार शेट्टी के भी, एंड दे वांट टू नो कि तुषार एज अ कोरियोग्राफर कैसे है, क्योंकि उनकी स्टाइल बहुत ही अलग है, उनका स्ट्रेटा बहुत हाई है। ऐसा काफी जाता है कि उनके साथ डांस करना बहुत ही कॉम्पिटिटिव चीज हो जाती है। सो एज अ कोरियोग्राफर वो कैसे है? एज अ कोरियोग्राफर। ओके, सो एज अ कोरियोग्राफर तुषार, मैंने जैसे बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है तुषार। उनका कोरियोग्राफी करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत एडवांस है। ऑफकोर्स उनको मैच करने के लिए आईबीडी में मैंने बहुत ट्राई किया था, तो मेरे लिए एक वो वजह से बोला था कि मैंने एक अपग्रेड हो जाता है सडनली। तुषार एज अ कोरियोग्राफर बहुत एडवांस है, एज अ डांसिंग भी वो बहुत एडवांस है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, क्योंकि वो हमेशा कोरियोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उनका जो भी स्टाइल है बट वो स्टाइल में वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सो वो एक चीज मुझे अच्छी लगती है तुषार में। ऑलराइट, सो सोनल, हम देख रहे हैं कि इस बार सुपर डांसर बहुत ही चर्चित शो बना हुआ है, और उसमें तुषार शेट्टी फ्लोरिडा के साथ अपना जो एक टैलेंट है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप उनका डांस देखती हैं, किस तरह से लगता है आपको उनका परफॉर्मेंस? यार ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज अगर मैं जिनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ और मैं अभी उनको देख रही हूँ कि कोई नया पार्टनर है, कि उसकी बच्ची फ्लोरिना उनके साथ नाच रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। इवन उनका बॉन्ड स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो पूरा केमिस्ट्री स्टेज पे दिख के आता है, और वो वर्क कर रहा है ज्यादा, और उनके एक्ट्स उतने ही अच्छे जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं तो खुशी रहूंगी कि यार अच्छा कर रहे हैं वो लोग दोनों, और फ्लोरिना तो है ही इतनी क्यूट, सो अच्छा लगता है मुझे। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है। इनफैक्ट आप भी कह रही थी कि तुषार की जो कोरियोग्राफी होती है काफी टफ होती है, आप भी काफी ट्राई कर रही थी आईबीडी के दौरान कि उनके लेवल को मैच कर सके। क्या आपको लगता है फ्लोरिना पूरी तरह से जस्टिस दे पा रही है कोरियोग्राफी को जो तुषार सिखा रहे हैं उनको? ओके, सो लेट मी टेल यू कि सबका, जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे कोरियोग्राफर्स हैं, जैसे सबका एक अलग फ्लेवर है, राइट? मतलब तुषार का एक अलग फ्लेवर है, फ्लोरिना का एक अलग फ्लेवर है, और भी सारे कोरियोग्राफर्स हैं उनका अलग फ्लेवर है। बच्चे बहुत, जो कंटेस्टेंट है वो बहुत ट्राई करते हैं कोरियोग्राफर की तरह मैचअप करने के लिए, और कोरियोग्राफर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें कि बच्चों का जो स्टाइल है वो लोग उनके तरीके से इवॉल्व करके वो स्टेज पे हर बार अलग कुछ रिप्रेजेंट करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना ठीक होगा नहीं होगा, बट सारे बच्चे यार बहुत मेहनती है, तो फ्लोरिना भी तुषार के जितने, तुषार जैसे कोरियोग्राफी कर रहे हैं वैसे फ्लोरिना भी अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रही है, और ऑफकोर्स तुषार भी बेस्ट दे रहे हैं, और सारे बच्चे और इवन यस सारे कोरियोग्राफर बेस्ट दे रहे हैं यार, और देखने मजा आ रहा है बिकॉज सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं वहां पे, और उसकी वजह से शो इतना अच्छा चल रहा है।